अब भाई सामने से आ रहे थे फुटस्टेप, तो मैं नेड पिन करता हूँ, यहाँ पे बचे हैं सिर्फ 3 बंदे और मेरे गेम ने हक दिया। तो भाई लोग कैसे हो यार, स्वागत है आपका एक और नए BGMI के गेम प्ले वीडियो में। और आज दोबारा से मेरा गेम हगने वाला है, फिर से भाई क्रैश मारने वाला है। ये वाली चीज़ इन लोग से पिछले 4 महीनों से सही नहीं हुई है, 2 इवेंट पूरे बीत गए भाई, लेकिन भाई अपडेट वो नहीं होगा इनसे कुछ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब वो जो दुख है ना, वो तो तुम्हें आगे वीडियो में पता चलेगा कि किस तरीके से और कहाँ पे तुम्हारे भाई का गेम हगेगा। लेकिन फिर भी भाई, और ये जो मैच है ना गाइस, ये इस वाले बोर्ड का सबसे ज्यादा मुश्किल मैच है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो तुम खुद देखना आगे। अब पंगा वाला पंगा यार। मगर क्यों? अब पगला मैट अपना मॉच, अरे पगला मैट अपना मॉच करने के, तब चार्ज नहीं मतलब मॉल वो करने का, करने क्या देखा बस वो करने रिस्टार्ट करने। अरे कहना क्या चाहते हो? कह रहा अभी के लिए यहाँ पे टाइम पास कुछ ज्यादा ही हो गया, तो भाई वीडियो को अपनी शुरू कर लेते हैं। आते ही अपने हरीश भैया ने मरवा ली किसी से, क्या बात है, गलती सीन है। और ये सामने कोई आया था नंगा मुंगा, अभी रुको। और भाई तो मुझे लग रहा है हुसैन बोल्ट का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे जो भागने में, क्या स्पीड है इसकी। इसको लग रहा है मतलब मेरे हाथ में बंदूक है, मैं तो एक नमूना खड़ा हूँ उसके सामने, कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। और अभी मेरे पता नहीं दोनों टीममेट किससे पिट गए आके। तो मेरा टीममेट बता रहा है कोई बंदा बैठा है कोने पे, और भाई मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, ना हेलमेट है ना वेस्ट है, UMP पड़ी है, नेड के नाम पे सिर्फ ये पानी है, फेंका आगे, अब ये कैंप डाल के बैठ गया। अरे भाई इन बंदों के सामने तो गाइस हाथ जोड़ लूं तो मतलब क्या करूं बताओ, कितना भी तुम कुछ कर लो बस इन्हें एक बार भें करना है और तुम्हारी पेटी। भाई मैं रिकॉल नहीं करूंगा, कैसे हो जा रही हो, नहीं करूंगा मेरी इच्छा। अभी जो शब्द अपने हरीश भाई ने कहा है ना, बस गाइस इनको अपने दिमाग में रख लो कि मैं रिकॉल नहीं करूंगा किसी को। अब वो आगे देखते हैं कौन किसको नहीं करेगा, ठीक है। वाह बेटा कहाँ बैठा था, क्या क्या क्या, ये पक्का कुछ करने गया, मेरे को लग रहा है फोन हटा के कहीं क्रोम तो नहीं खोल दिया इसने, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। कह रहा भाई तुम्हारा भाई जैसे तैसे कर करके जूझ रहा है यहाँ पे। मेरा टीममेट अभी एक भी मेरे पास नहीं, क्योंकि एक की पेटी बन चुकी है और एक को हमने रिकॉल पे बैठाया, भाई स्ट्रेटजी बोलते हैं ना। अब गाइस रिकॉल पे नहीं बैठाना तो दिक्कत होती है ना भाई आगे, वो तो मेरे को ही देखना पड़ता है। खैर अभी के लिए एक बंदे को बहा दिया एकदम, भाई फ्लश कर दिया मैंने, जैसे मैं नीचे से टट्टी फ्लश करता हूँ। और ये राम प्यारा बिल्कुल एक गोली का बचा, तो कोई नहीं, मैंने कहा आग डालते हैं भाई आराम से, जो भी इसके अंदर बिल्कुल होगी ना मतलब जो भी ठंडक होगी सब भाई की बार में जल जाएगी। ये देखो मेरे को बहाना चाह रहा है, अरे ताऊ आराम से क्या लेके जाओगे किसी, क्या बात है, ये तो कुत्ते आया एकदम गोली चलाने ही बोल गया। खैर कोई नहीं, तुम्हारे भाई ने लॉबी इसको भेज दिया, कुछ ज्यादा ही चौड़ में था, पानी वानी डाल के एकदम खुश हो गया कि हाँ भाई पेली दूंगा बंदे को, खैर खुद ही यहाँ पे शिकार बन जाता है मेरा। तो अभी जो इवेंट पे जितना भी बचा कुचा माल था, जो भी जूठिन थी जो भाई भैंस खाती है एंड में आके, वो सब मैंने उठा लिया, ठीक है। P90 मिल गई वैसे उसमें, बढ़िया बात है। और इसने तो खोल के लेटा ली थी अपना कैरेक्टर, भाई भाई क्या क्या क्या, मेरे टीममेट को नॉक कर दिया आराम से, लेटो मत ऐसे। कह रहे इसको अभी लॉबी भेज दिया, रिकॉल होके आया था भाई फुल चौड़ में, अरे खतरनाक बंदे हैं। अब तुम देखना ये मैच कितना ज्यादा कर्रा जाने वाला है। और आगे ना भाई त्रिशूल के लिए तो मैं तुम मतलब तुम्हें लगता होगा मैं क्यों उसकी बुराई करता हूँ, खुद देखना तुम आगे। A few moments later. और ये बेचारा तो तुम्हारे भाई के जाल में ही फंस गया। अरे बेटा बहुत बड़ी गलती, ये ऊपर मछली को ही पकड़ने में लग गया और मैंने इसको मछली बना दिया, अरे खतरनाक भाई। बेटा ये भी उसकी लग चुकी है। अब तुम लोग ने अगर ध्यान से देखा होगा ब्रिज पे कुछ बंदे इधर उधर टहल रहे हैं भाई, वॉक पे निकले हैं, लग रहा है अपना खाए हुए पचा रहे हैं। कोई नहीं मैं हूं तो इधर P90 लेके बैठा तो हूं भाई। अब एक को एकदम नॉक करता हूँ, पूरी घास ही बन चुका था ये तो। अब देखो दूसरा मेरे को दिखता है गिली सूट वाला, तुम याद रखना। देखो अभी चाहता तो मैं P90 लेके रश कर सकता था, लेकिन मैंने कहा आज जरा त्रिशूल का बढ़िया इस्तेमाल ही कर दूं, लेकिन अब इसके बाद इस घटिया चीज़ का मैं यूज़ कभी नहीं करने वाला हूँ, तुम खुद देखो भाई क्या हरकत है। अब जो मैंने बंदूक से मारा उसका तो भाई फिनिश आ जाएगा मेरे पे, लेकिन ये मैंने घास को अपने भाई ये बवंडर के अंदर संभाल लिया एकदम। अब इसकी सबसे बुरी चीज़ ये है ये फेंकता क्यों है भाई दूर। अब इसने उस भाई गिली सूट वाले को पानी में फेंक दिया, अब वो तो मेरे को तुम्हें लग रहा है वो मेरे को मिलने वाला है, बताओ।
कहीं से कहीं तक मिलेगा वो आराम से हील कर सकता है। अरे क्या बकवा भाई, फेंकना क्यों, बवंडर फिनिश करे ना वहाँ पे भाई, इसका फायदा क्या यार फिर, कोई फुल हेल्थ में कोई इससे मरेगा ही नहीं, मैं तो इसे केला देते रह जाऊंगा। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं और आजकल घास में ऐसा क्या हो गया कि बंदे आजकल भाई घास ही में बिल्कुल तब्दील होना चाह रहे हैं। ये देखो ये भी घास का शिकार है, कती नंगा लेटा पड़ा है। अरे भाई क्या क्या कर रहा, चाह रहे हो नीचे की घास बड़ी कर रहा है क्या ये, पता नहीं क्या सीन है। अभी मैं बहुत देर से गई वही गिली सूट वाले बंदे को पकड़ने के चक्कर में था, लेकिन आखिरकार दिखता है जाके। मेरे भाई की BGMI ये असल जिंदगी थोड़ी ना, कि तुम कोल्ड ड्रिंक पी लोगे, यहाँ सिर्फ रेडबुल के सस्ते नशे होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। कह रहा भाई यहाँ पे मैं जिंदगी में हल्का आगे बढ़ता हूँ, अब देखो ओपन में बंदे हैं, मेरे टीममेट ने पता नहीं क्यों मारे, अब देखो उसका तुम जवाब सुनना आगे। और ये किल था ना वो भी मेरे को नहीं मिला, मैंने सोचा किसी का किल चुराऊंगा, अरे कुछ ना मिला भाई इधर। अब भाई इतनी दूर मैंने मार दिया, तुम लगभग 400 मीटर मारो लेकिन कुछ उखड़ने वाला है कुछ नहीं भाई, उस पर सेल्फ ड्राइव, अगर टीममेट नहीं भी होंगे ना तब भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अगर कितनी भी तेज चला गया। और ये लो अपने भैया पिट गए। तो अभी इसको डैमेज बहुत देता हूँ, अब मैंने सोचा भाई घुस के खत्म करूंगा, या खत्म करूंगा या मैं खुद खत्म हो जाऊंगा, लेकिन अभी ये बंदा नीचे जाके हीलिंग करना चालू करता है। अब देखो इसकी दिमाग में कौन सी जुंगे चढ़ती हैं एकदम। मेरा भाई अगर तुम अपनी हेल्थ भर लेते तो शायद से कुछ हो जाता, पर ये पता नहीं कौन सा दिमाग लगाया, इसको लग रहा है मैं अंधा हूँ भाई, कतई कुछ मेरे को पता ही नहीं, आएगा नेट करेगा और मैं लॉबी चलता बनूंगा। भाई ऐसे दुनिया थोड़ी ना चलती है, थोड़ा बड़ा हो जाना चाहिए इसको, शायद से छोटा है भी थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम देखो यहाँ पे सिचुएशन, कितने बंदे बचे हैं, 11 में से 3 गए बचे, हाँ तो बचे 8 बंदे, 1 घंटे के बाद कैलकुलेशन तो अपनी हो ही गई, ठीक है 8 बंदे बचे। अब तुम देखो एक मैंने ये मारा मतलब डैमेज दिया, अब ये पूरी टीम है, पूरे 4 बंदे यहाँ पे हैं, कुछ बंदे जॉर्ज पुल से आ रहे हैं, मैं ज़्यादा देर शक्ल दिखाऊंगा नहीं क्योंकि एक गधा कोई ड्रॉप पे भी बैठा है। अब ये भाई जी की थोड़ी किस्मत खराब थी, न जाने क्यों इसने अंधा रश कर दिया। अब बचे इस वाली टीम के पूरे 3 बंदे एक ड्रॉप पे है, बाकी 2 बंदे हैं सामने, और मेरे टीमर लगभग पिटते पिटते बच रहे हैं, यहाँ पे पता नहीं क्या सीन है। अब मैंने कहा देखो गाइस डायरेक्ट हम लोग रश कर नहीं सकते क्योंकि वरना ये ड्रॉप वाला पीछे तक भाई डंडा करेगा बैठ के वहाँ पे, तो इसको जितने मेरे को मौके मिले मैंने मारने की कोशिश की, कुछ होता नहीं है। लेकिन अब देखो मेरे को दिख जाता है वो दूर वाला बंदा, और मैं तुमको सही बता रहा हूँ मैंने इसको भी नॉक किया, इसका भी भाई फिनिश नहीं आएगा, पता नहीं मैच में कितने कितने किल नहीं आए हैं, और इस मैच का मेरे को डैमेज अभी भी याद है भाई 39 किल्स का है, सोचो अभी देखो फिर ड्रॉप वाले का टाइम, अरे फेरे भाग गया भाई, क्या करूँ मैं और क्या करूँ, कितनी जान लगाऊँ। अब मैंने कहा इधर से ख़त्म करूँ, मैं निकलूँगा भाई जोन में। अब जैसे ही हम लोग जोन में भाई प्रवेश करते हैं, देखो ये ड्रॉप के पीछे वाला था ये तो ख़त्म हुआ, लेकिन मैंने आते आते हक दिया यहाँ पे, अब गलत सीन ये है और मंदों की तरफ जोन नहीं है, और पीछे भी बंदे हैं भाई, ये बचे 2 बंदे और 2 बंदे अपने लेफ्ट में हैं। तो भाई सबसे पहले तुम्हारा भाई आता है इधर की तरफ, ठीक है मैंने कहा इस वाली बिल्डिंग में आता हूँ। अब इस बिल्डिंग में नीचे हैं 2 बंदे, 2 बंदों का फुट आ रहा था। अब पहले तो इस प्यारे को एकदम लपेटे में लेता हूँ, फुल नॉक फिनिश मैंने डायरेक्ट किया इसको, 2 बंदे नीचे हैं अब ये सामने, और ये गधा इसकी किल नहीं मिलेगी, ये चाहे जोन में मर जाए लेकिन मेरे को किल नहीं देगा, देखो किसी और ने ले ली भाई इसकी, क्या करूँ किस्मत ही खराब है। तो बात कुछ ऐसी थी, अब मैंने सारे बंदे इग्नोर मार के ये सोचा कि ये नीचे अपार्टमेंट में बंदे हैं ना इनको पूरा ले लेते हैं, अपने टीममेट से नेट हो जाता हूँ, मेरे को इस बंदे की पूरी पोजीशन पता थी ये है कहाँ पे, लेकिन देखो अब बताओ मेरी इसमें कुछ भी गलती है, मैं इतनी पूरी जान लगा रहा हूँ तो जैसे जैसे 20 किल तक मैं कर दूँ इसमें निकाल दूँ। अब जैसे ही तुम्हारा भाई जिंदा होता है वापस आता हूँ भाई, बचे हैं सिर्फ 2 बंदे, अब क्या करूँ बताओ भाई, पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अब गेम भी हट गया, एक आध किल मेरे टीममेट ने लिया होगा, मैं क्या करूँ भाई, लेना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात तो यही है मैं जिंदा हूँ यहाँ पे भाई।
और ये बेचारा पता नहीं कौन से नशे कर रहा था खड़े होके, पता नहीं। खैर जो भी हो, मेरा फिनिश तो ये बन जाता है। 16 के लोग हैं, अब आखिरी बंदे को ढूंढने के लिए तुम्हारे भाई ने ये घटिया बवंडर का यूज़ किया, लेकिन पता चलता है बंदा अपने ही अपार्टमेंट के अंदर है और अपने हरीश भैया फिनिश हो गए, क्योंकि बवंडर जब फेंकता है ना वो जोन के बाहर पहुंच गया और वो ठेल गया। अरे छोटा तुम मेरे फेवरेट बाहर जोन में यार, भारी मिस्टेक हो गया सर। तो अभी भाई बंदे की हमें लोकेशन पता नहीं है कहाँ पे, आप पता चलता है वो है बीच वाले फ्लोर में बैठा पड़ा। तो तुम्हारे भाई का 1000 IQ तो भाई हमेशा काम करेगा। हाँ बेटे कितनी देर कैंप करेगा पीछे, देख तो ले तेरा बाप आ चुका है तेरे पीछे। खैर गाइस खत्म करता हूँ यहाँ पे। तुम मैच देख रहे हो, एक तो इतनी करी सिचुएशन, ऊपर से कैंप क्रैश मार रहा है, लेकिन जैसे तैसे तुम्हारे भाई ने 17 किल करी दिए विद चिकन, और ये ठुमके भी मार दिए। मिलते हैं कल।